कोर्स राखी बिकॉज वो जो भी करती है वो टीआरपी के लिए करती है एंड रूबीना ऑलवेज स्टैंड लेती है सही के लिए और रूबीना स्टार्टिंग से ही सही है तो आई सपोर्ट ओनली रूबीना एंड माई सेकेंड प्रायरिटी इज़ राहुल दैट्स इट मुझे ऐसा लगता है कि राखी गलत जा रही हैं क्योंकि राखी किसी के हस्बैंड को ठरकी नहीं बोल सकती है ये गलत है रुबीना सही जा रही है उसको ठरकी नहीं बोलना चाहिए राखी को आई थिंक रुबीना बहुत कंट्रोल करती है एंड उसका इरिटेशन लेवल बहुत बढ़ गया है तो मे बी उसका इरिटेशन वैसे निकल रहा है तो इट्स ओके लाइक उसके हिसाब से इट्स फाइन क्योंकि राखी का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है दोनों ही गलत जा रहा है मैं हमेशा देखती हूँ बिग बॉस मेरे को लगता है राखी का उसमें कुछ मिस्टेक नहीं है आई थिंक रुबीना सही है बिकॉज अगर कोई अपने लाइव, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर ऐसा होता है देखेगा तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा तो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट किया नमस्कार मैं हूं आकांक्षा कपिल और आप देख रहे हैं फीफा फूज बिग बॉस के तड़कते भड़कते प्रोमो में हमने देखा कि किस तरीके से राखी जो हैं वो अभिनव को बोलती हैं कि आप ठरकी हैं और इस पर रुबीना जो उनकी वाइफ है उनसे ये सहा नहीं जाता और वो राखी पर एक बाल्टी पानी फेंक देती हैं अब हम यहाँ पर देखने आए हैं कि जनता इस पर क्या जवाब देती है तो चलिए सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी थैंक यू यू नो लेटेस्ट प्रोमो में हमने देखा है कि राखी ने जो है बोला है अभिनव को कि आप ठरकी हैं ठीक है अभिनव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस पर और उनकी वाइफ जो है रुबीना वो भी एक बाल्टी पानी उठाती है और फेंक देती है राखी के ऊपर तो क्या लगता है कौन घर के अंदर गलत जा रहा है ऑफ कोर्स राखी बिकॉज वो जो भी करती है वो टीआरपी के लिए करती है एंड रूबीना ऑलवेज स्टैंड लेती है सही के लिए और रूबीना स्टार्टिंग से ही सही है तो आई सपोर्ट ओनली रूबीना एंड माई सेकेंड प्रायरिटी इज़ राहुल दैट्स इट तो अभी जो हम देख रहे हैं जो उन्होंने ठरकी बोला है अभिनव को तो क्या लगता है ठरकी बोलना ज़्यादा गलत है कि उनका रुबीना का पानी डालना ज्यादा गलत है और तो ठरकी बोलना ज्यादा गलत है वो अपना हस्बैंड का तो सपोर्ट करेगी अगर उसको कोई कुछ बोलेगा तो तो वो सही अपनी जगह है राखीज ऑल्सो गलत है तो राखी जो है वो इतना जो ड्रामा अभी कर रही है अभिनव के अराउंड तो क्या लगता है ऐसा क्यों कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी और कुछ नहीं है बस उसको हाईलाइट होना है बिकॉज वो शुरू से कॉन्ट्रोवर्शियल रही है और उसको टी उसको टीआरपी वगैरह में ज्यादा वो रहता है तो उसको बस हाईलाइट होने के लिए कर रही है और कुछ भी नहीं है आप घर में से किसको सपोर्ट करती हैं या थैंक यू वेलकम मुझे ऐसा लगता है कि राखी गलत जा रही है क्योंकि राखी किसी के हस्बैंड को ठरकी नहीं बोल सकती है ये गलत है अच्छा तो आप जो देख रही हैं राखी जो इतना ड्रामा कर रही है के अराउंड तो क्या लगता है ऐसा क्यों कर रही है वो घर के अंदर

अच्छा तो अभी जो राखी जो है घर के अंदर इतना ड्रामा जो कर रही है अभिनव को लेकर तो क्या लगता है इतना ड्रामा क्यों कर रही है क्योंकि पहले तो वो अभिनव से उनका बहुत अच्छा बनता था अभी जो है वो बहुत लड़ाई भी हो रही है वो बहुत ड्रामा कर रही है अभिनव को लेकर मुझे लगता है ना पहले वो हसी मजाक में करती थी अभी वो थोड़ा राखी सीरियसली हो गई है अभिनव को लेके इसीलिए वो रुबीना से ही कर रही है मेरा मेरा तो रुबीना को ही जाता है आप आप किसको सपोर्ट करती है दोनों में से करके रुबीना देना थैंक यू सो मच थैंक यू सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी थैंक यू यू नो लेटेस्ट प्रोमो में हमने देखा है कि राखी यू नो अभिनव को किस तरह से बोलती है कि आप ठरकी हैं उस पर अभिनव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रुबीना जो उनकी वाइफ है उनसे भी ये देखा नहीं जाता वो एक बाल्टी पानी जो है वो भरकर राखी पर डाल देती है तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन गलत जा रहा है घर के अंदर आई थिंक रुबीना बहुत कंट्रोल करती है एंड उसका इरिटेशन लेवल बहुत बढ़ गया है तो मे बी उसका इरिटेशन वैसे निकल रहा है तो इट्स ओके लाइक उसके हिसाब से इट्स फाइन क्योंकि राखी का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा हो रहा है येस yes. राखी जो अभिनव के अराउंड यू नो इतना ड्रामा कर रही हैं जो हम देख रहे हैं घर के अंदर वो क्या लगता है कि इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है अब इतना क्यों हो रहा है घर के अंदर इट्स फॉर द एंटरटेनमेंट आई फील कि उसको कॉन्टेंट uh, मिल रहा है तो वो दे रही है अभिनव जो है वो इस पर बिल्कुल भी यू नो सहमत नहीं है और हमने देखा कि जब उन्होंने उसको ठरकी भी बोला तो उन्होंने बोला कि ये आपकी औकात दिखाता है कि आप किस तरह से आपकी सच्चाई दिख रही है इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी मैं आई थिंक वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही करती है सिर्फ बट आई थिंक वो थोड़ा ओवरलोड हो जाता है उसको पता नहीं है कहाँ रुकना है कहाँ नहीं आई थिंक उसके वजह से होता है बट उसको बुलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है बाहर तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको क्या लगता है ज़्यादा गलत क्या है पानी फेंकना रूबीना का या उनको ठरकी बोलना आई थिंक बोथ द साइड आप किसको सपोर्ट करती हैं आई सपोर्ट समेर आई थिंक राखी बिकॉज एंटरटेनमेंट इसके लिए शो चल रहा है okay. इसके लिए थैंक यू वेलकम दोनों ही गलत जा रहा है मैं हमेशा देखती हूँ बिग बॉस मेरे को लगता है राखी का उसमें कुछ मिस्टेक नहीं है राखी की मिस्टेक नहीं है नहीं, है, नहीं। अच्छा, तो राखी और अभिनव और अबीना में से अगर पूछूँ तो किसको पसंद करती है घर के अंदर तो मैं राखी को पसंद करती हूँ हाँ क्यों वो अच्छी लगती है आपको बहुत एंटरटेनमेंट कराती है एंटरटेनमेंट करती है बहुत अच्छी है स्वभाव से भी अच्छी लगती है थैंक थैंक यू यू ओके आई थिंक रुबीना सही है बिकॉज अगर कोई अपने लाएग, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर ऐसा होता हुआ देखेगा तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा hmm. तो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट किया मैं रुबीना के साइड से हूँ एंड आई थिंक शी इज़ कंटेस्टेंट इन बीबीटीन

सबसे पहले तो फिफाफूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी थैंक यू सो मच नो बिग बॉस के लेटेस्ट प्रोमो में हमने देखा है कि राखी जो है वो अभिनव को बोलती है कि आप बहुत बड़े ठरकी हैं ठीक है तो अभिनव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनकी वाइफ जो है रूबीना वो भी राखी के ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक देती है तो क्या लगता है दोनों में से कौन गलत जा रहा है राखी गलत जा रहा है राखी गलत है ऐसा क्यों लगता है क्योंकि किसी का वाइफ का आगे ऐसा नहीं करें किसी को भी लगता है वो तो ऑब्वियसली तो जो राखी ने अभिनव को ठरकी बोला है और रुबीना ने जो पानी डाला है क्या लगता है दोनों में से ज्यादा गलत चीज कौन सी है? राखी, गलत है राखी गलत है राखी राखी जो इतना अभिनव को लेकर घर में ड्रामा कर रही है उनके आगे पीछे घूम रही है उनको परेशान कर रही है तो क्या लगता है ये सब जो राखी क्यों कर रही है राखी अपना पब्लिक सिटी के कर लिए आप दोनों में से किसको सपोर्ट करती है